उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा वज्रपात के कारण बुग्यालों में हो रहे भूकटाव भूस्खलन को रोकने के लिए रुद्रप्रयाग वन प्रभाग एक वृहद कार्य योजना बनाने जा रहा है। दरअसल बीते दिनों रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के DFO वैभव सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों का भ्रमण कर बुग्यालों की स्थिति का अध्ययन किया। 12 सदस्यीय दल ने पाया कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले प्रमुख क्योणी मटिया पवाली कांठा और भरदारी घाट बुग्याल में बरसात के दौरान अत्यधिक वर्षा और वज्रपात के कारण भारी मात्रा में भूकटाव और भूदशाव हो रहा है, जिस कारण बड़े बड़े नाले बन गए हैं और इस कारण बुग्यालों का अस्तित्व संकट में आ गया है। इसी को देखते हुए वन विभाग के द्वारा इन सभी स्थानों का चिन्हीकरण किया गया और इसे रोकने के लिए एक वृहद कार्य योजना बनाई गई, जिसे जल्द ही विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ठीक किया जाएगा। जो हमारे प्रभाग के अंतर्गत बुग्याली क्षेत्र है उनका अध्ययन और उनमें हो रहे भूकटाव पे जो है विस्तृत एक कार्य योजना बनाई गई। 4000 हेक्टेयर के बुग्याली क्षेत्र आते हैं, जिसमें प्रमुखता क्यूनी बुग्याल, माटिया बुग्याल, पवाली कंठा बुग्याल और भरदारी गाड़ बुग्याल, ये चार मुख्य हमारे बुग्याली क्षेत्र आते हैं। विगत कई वर्षों से हो रही अत्यधिक वर्षा वज्रपात इत्यादि कारणों से बुग्याली क्षेत्रों में कुछ बड़े नाले बन गए हैं, जिसके कारण जो है बुग्याली क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और उसमें भूमि का कटाव हो रहा है। तो इसी संबंध में हमारे द्वारा ऐसे सभी क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया और चिन्हीकरण के उपरांत एक कार्य योजना उनके उपचार के लिए बनाई गई है और मुझे आशा है कि जल्दी ही हम कैंपा या अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत इन बुग्याली क्षेत्रों का उपचार करेंगे। हमारे द्वारा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोलर पावर युक्त जो कुछ कैमरा ट्रैप थे, लगभग 8 कैमरा हमारे द्वारा जो है वो लगाए गए हैं। ये देखा गया है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में जब सर्दियों के दिनों में हिमपात हो जाता है तो वन्य जीव जो हैं, जिसमें हिम तेंदुआ भी शामिल है, उनका जो मूवमेंट है वो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के क्षेत्रों में देखा जाता है। तो इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए और इनका अध्ययन विस्तृत करने के लिए हमारे द्वारा 8 कैमरा जो है अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए हैं। साथ ही वन विभाग के द्वारा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोलर पावर युक्त 8 कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए सर्दियों में अत्यधिक हिमपात होने के कारण केदारनाथ वन प्रभाग के वन्य जीवों का विचरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की ओर होता है, जिसमें हिम तेंदुआ भी शामिल है। इन वन्य जीवों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी। वन विभाग की ये दोनों कार्य योजना अगर सफल होती हैं, तो बुग्यालों और वन्य जीवों के लिए ये मील का पत्थर साबित होंगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुग्यालों को होने वाले नुकसान की तरफ पहली बार रुद्रप्रयाग वन विभाग का ध्यान गया है। बीते दिनों वन विभाग की 12 सदस्यीय एक दल ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों का गहनता से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि बरसात में अत्यधिक बारिश के कारण बुग्यालों में भारी भूकटाव और भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण बुग्यालों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐसे में वन विभाग ने बुग्यालों के उपचार के लिए एक वृहद कार्य योजना बनाई है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में वन विभाग की इस कार्य योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग।